गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख पाते, तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, दो टाइनी इनफ टू बी इनविजिबल, दे एग्जिस्ट इन वास्ट नंबर ऑल अराउंड अस इन द एयर, सॉइल, वाटर बॉडीज एंड इवन इनसाइड आर बॉडीज। ये बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और इनविजिबल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं हमारे आसपास, क्योंकि एयर, सॉइल, वाटर बॉडीज और इनफैक्ट हमारी बॉडीज के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इनफैक्ट दे अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ। अगर देखा जाए तो जो इनका जो वेट होता है ना, तो अर्थ पे जितने भी जो लिविंग बींग हैं उनके हाफ से भी ज़्यादा है। वन ऑफ द रीज़न वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन सच लार्ज नंबर इज द फैक्ट दैट दे आर वेरी हार्डी। एक जो रीज़न है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतने ज़्यादा नंबर में जो है एग्जिस्ट करते हैं, वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, इन डेजर्ट, पोलर रीजन, सीज, मार्शेस और सॉल्ट वाटर लेक। ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो या पोलर रीजन्स हो, सीज हो, मार्शेस, दलदल हो या फिर सॉल्ट वाटर लेक हो। सम ऑफ देम फॉर्म स्पोर्स टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। इनमें से कुछ जो है वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करें, सर्वाइव कर सकें। दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द स्पोर एंड स्प्रिंग टू लाइफ अगेन व्हेन द कंडीशन, फूड टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड सो ऑन आर फेवरेबल। ये इनएक्टिव रहते हैं स्पोर के अंदर और ये वापस जो है लाइफ इन्हें मिल जाती है जब इन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन जैसे कि फूड टेम्परेचर, मॉइस्चर और मिलता है ना, तो ये न्यू लाइफ मतलब बन जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। दो ऑफन लम टुगेदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन इनका भी एक डाइवर्स ही ग्रुप, अलग ही एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। सम आर हेल्पफुल, कुछ तो हेल्पफुल होते हैं, वाइल अदर कॉज डिजीज, लेकिन कुछ जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। सम कैन फोटोसिंथेसिस वाइल अदर आर सैप्रोफाइट्स लिव ऑन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। कुछ तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं ताकि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो अदर डिकेइंग प्लांट और एनिमल को ईट करते हैं। दे कैन बी क्लासीफाई इन टू 5 मेजर ग्रुप, इन्हें 5 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एलगे, सेकेंड इज़ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड वायरसेस। ओके, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हम स्टडी करते हैं इसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज एलगे। डू यू रिमेंबर सीइंग सेल विथ क्लोरोप्लास्ट इन द ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप वाइल स्टडिंग द प्रीवियस चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में जो हमने पॉन्ड की जो वाटर की जो एक ड्रॉप में जो है ऑब्जर्व किया था जब माइक्रोस्कोप से, तो हमें क्या दिखाई दिया था, एल्गे दिखाई दिया था। देवर एल्गल सेल हमने देखी थी वहाँ पे। यू कैन रिपीट द एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी को रिपीट भी कर सकते हो, वापस जो है आपको सेल शो होंगी। एल्गे यानी कि सिंगुलर एल्गा आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे वेरी अलॉट इन साइज, शेप एंड हैबिटेट। इनका साइज, शेप और हैबिटेट अलग अलग होता है, बट दे हैव वन थिंग, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, ऑल ऑफ देम हैव, सब में जो है क्लोरोफिल होता है। हैंस दे फोटोसिंथेसाइज, मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। एल्गेल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। इनका जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों वे में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखे हैं 3.1 में। फर्स्ट वन इज क्लेमाइडोमोनास एंड सेकेंड वन इज वॉल्वेक्स। ये क्या है, ये फ्रेश वाटर एल्गे है, ठीक है। द एल्गे यू सॉ अंडर द माइक्रोस्कोप आर ग्रीन एल्गे। जो माइक्रोस्कोप के थ्रू आपने देखा था वो ग्रीन एल्गे था। मोस्ट ग्रीन एल्गे लिव इन फ्रेश वाटर बॉडीज। सारे जो मोस्टली हैं एल्गे वो फ्रेश वाटर बॉडीज में ही होते हैं। सम हाउएवर आर मरीन एल्गे, कुछ जो है वो मरीन एल्गे भी होते हैं, यानी कि समुद्र के पानी में भी होते हैं, और बाकी जो है वो जो मॉइस्ट, जो नमी वाली सॉइल होती है वहाँ पर उगते हैं, ट्रीज में, ट्रंक्स में या वॉल्स में, ठीक है। सम ग्रीन एल्गे लाइक, कुछ जो ग्रीन एल्गे जैसे क्लेमाइडोमोनास कैसे है, ये यूनिसेलुलर है। अदर्स जैसे कि स्पायरो वगैरह है, ये क्या करता है, फिलामेंट फॉर्म करता है। स्टिल जो है, कुछ जो अदर है जैसे कि वॉवेक्स है, ये क्लस्टर में लिव करता है, झुंड में,
और क्या बनाता है, कॉलोनीज, मतलब जब बहुत सारे जो एक तरीके का ग्रुप टाइप का बनाते हैं। ओडोगोनियम फिक्सेस इटसेल्फ टू एक्वेटिक प्लांट्स वाइल क्लैमाइडोमोनास एंड वॉल्बक्स कैन स्विम। जो ओडोगोनियम है वो अपने आप को क्या करता है, एक्वेटिक प्लांट में फिक्स कर लेता है, जबकि जो क्लैमाइडोमोनास है, जो वॉल्बक्स है, ये स्विम भी कर लेते हैं। डाई एटम्स आर अ फैक्सिनेटिंग ग्रुप ऑफ एल्गे। जो डाई एटम्स है ये फैक्सिनेटिंग ग्रुप है एल्गेज का। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होता है एंड हैव एन इन्फाइनाइट रेंज ऑफ फॉर्म्स, इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में ही मिलता है या फिर मरीन हैबिटेट में। देयर सेल वॉल आर मेड, इसकी जो सेल वॉल है सिलिका से बनी होती है। जब ये डाई होते हैं तो क्या होता है, जो सिलिका होता है वो जमा हो जाता है लेक्स के बॉटम में, रिवर्स के, सीज के, ठीक है, और क्या बनता है वहाँ पर, सिलिशियस अर्थ बनता है। लार्ज मासेस ऑफ डाई एटम फ्लोटिंग इन द सी आर कॉल्ड प्लैंकटन। जो लार्ज जो मास है इनका डाई एटम का जो फ्लोट करता है सीज पे, उसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। तो उनका जो पैटर्न होता है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, देख रहे हैं आप, ये प्लैंकटन का आपको स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। इनका पैटर्न है काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न है इनका। नॉट ऑल एल्गे, सारे एल्गे जो है ग्रीन नहीं होते, कुछ जो है ब्राउन भी होते हैं, जबकि कुछ रेड भी होते हैं। दीज एल्गे हैव, इनका जो एडिशनल एक पिगमेंट होता है विच मास द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर देता है इन्हें। सी वीड सम ऑफ विच कैन ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 30 to 60 meters। जो सी वीड्स होता है वो करीब जो है कितनी लेंथ तक ग्रो कर पाता है, 30 to 60 meters तक ग्रो कर लेता है, और यूजली जो है इसे ब्राउन एल्गे बोलते हैं। द सार्गेसो सी ओज इट्स नेम टू द ब्राउन एल्गे सार्गेसियम। जो सार्गेसो सी है उसका जो नेम मिला है वो इस ब्राउन एल्गे सार्गेसियम से मिला है उसे, ठीक है। रेड एल्गे आर मोस्टली मरीन, जो रेड एल्गे होता है वो मरीन में ही होता है। ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज, ये जो है ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल सीज होते हैं वहाँ पे ग्रो करता है। द ग्रीन स्कम, जो ग्रीन स्कम आप देखते हैं जो गीली मिट्टी में या फिर ओल्ड वॉल्स में या फिर स्टैग्नेंट पूल्स में, वो क्या होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोर लाइक बैक्टीरिया देन लाइक एल्गे, ये जो है एक क्या होता है, मोर देन बैक्टीरिया की तरह ही होता है। सो दे आर नाउ कॉल्ड सियानो बैक्टीरिया, तो इसी वजह से क्योंकि ये बैक्टीरिया की तरह ही लगता है तो इसे सियानो बैक्टीरिया कहते हैं। नाउ यूजफुल एल्गे, यहाँ पे कुछ यूजेस दे रहे हैं एल्गे के। सो फर्स्ट वन इज अ गमी सब्सटेंस कॉल्ड एल्गिन ऑब्टेन फ्रॉम कैल्प इज यूज टू थिकन आइसक्रीम कॉस्मेटिक्स एंड शेविंग क्रीम। एक गमी सब्सटेंस होता है एल्गे का जिसे एल्गिन बोलते हैं, उसका जो उसे कैल्प से ऑब्टेन किया जाता है, ये भी एक एल्गे है। इसका यूज़ जो है वो आइसक्रीम को थिक करने के लिए कॉस्मेटिक्स में और शेविंग क्रीम्स में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ होता है एंड सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी यूज़ होता है। आयोडीन एंड पोटेशियम आर अदर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम कैल्प। आयोडीन और पोटेशियम भी है, जो ये सब्सटेंस भी हमें कैल्प से ही मिलते हैं, ठीक है। कैल्प जो है एल्गे है ये। नाउ सेकंड, एगर आर जेली लाइक सब्सटेंस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड टिश्यू आर कल्चर्ड ग्राउंड इन द लेबोरेटरी इज ग्रोन इन द लेबोरेटरी इज मेड फ्रॉम सर्टेन रेड एल्गे। एगर जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिश्यू जो है कल्चर्ड रहते हैं वो लेबोरेटरी में ग्रो होता है, और इसका जो यूज़ है वो रेड एल्गे में होता है, रेड एल्गे से मिलता है। थर्ड, डाई एटम शेल सेल वॉल डिपोजिट ऑन द बेड्स ऑफ लेक एंड सीज आर यूजफुल टू मेक ग्लास पॉर्सिलेन एंड सेरेमिक्स। जो डाई एटम शेल्स होती हैं जो कि डिपोजिट हो जाती है, चादर टाइप की बन जाती है लेक के बॉटम पे, सीज के बॉटम पे, उसका यूज़ ग्लास में, पॉर्सिलेन एंड सेरेमिक्स बनाने में होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक, ये टूथपेस्ट में, पॉलिशेस में और फिल्टर में भी इसका यूज़ होता है। नाउ फोर्थ, सर्टेन रेड एल्गे आर ईटन इन चाइना एंड जापान। कुछ जो रेड एल्गे हैं उन्हें चाइना और जापान में खाया भी जाता है। दे आर ड्राइड एंड सोल्ड एज पेपर शीट, इन्हें ड्राई करके पेपर शीट की तरह बेचा जाता है, इन्हें शीट बना के, एंड ईटन एज वेजिटेबल और यूज टू मेक सूप। वेजिटेबल की तरह इन्हें ईट किया जाता है या फिर सूप बना लिया जाता है इनका। अ लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन, इस पर काफ़ी रिसर्च की गई है, मतलब रिसर्च करके इसे एक अल्टरनेटिव फूड का सोर्स बनाया गया है। दे आर, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एंड फीड अ होस्ट ऑफ एक्वेटिक और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स के लिए होस्ट का वर्क करता है। दे आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर ऑफ, इसमें सबसे ज़्यादा हमें ये प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी होता है इसमें, अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, जो कि एयर के में जो है 80% जो ऑक्सीजन है वो हमें इससे मिलती है। नाउ
यूट्रोफिकेशन. व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? द एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाय प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. जो हमारी जो वाटर बॉडीज होती हैं, तो जितने भी जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं फील्ड्स में, वो बहकर सारे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी में जो है इनका जो है अमाउंट जो है बढ़ जाता है, तो इसे यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. क्वाइट ऑफन दिस हैपन व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज. जितने भी जो हमारे सीवेज जो नालियों को जो पानी है और जो फर्टिलाइजर्स है, वो बह के सारे पानी में जाके मिल जाते हैं वाटर बॉडीज में, जैसे तालाब में, नदी में. इट लीड्स टू एन अननेचुरली रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गे. इससे क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज में है ना, एक रैपिड ग्रोथ हो जाती है एल्गे की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि इतने सारे जो है न्यूट्रिएंट वहाँ पे मिल जाते हैं. विच फॉर्म अ थिक लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी. इससे क्या होता है, पानी के ऊपर आपको एक चादर, ग्रीन कलर की चादर सी दिखाई देती है ना, वो इसी वजह से होती है. रेफर्ड एज एल्गल ब्लूम, जिसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं. एल्गल ब्लूम ऑकर इन द सी टू, ये समुद्र में भी होता है. द डेंस लेयर ऑफ एल्गे डिप्राइव अदर ऑर्गेनिम्स ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन. अब जब ये एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर ग्रीन कलर की, तो क्या होता है, जो सनलाइट होता है और जो ऑक्सीजन है, वो बाकी जो ऑर्गेनिम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, उन्हें वो ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं मिल पाता. बिसाइड व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन दैम यूज अप मोर ऑक्सीजन स्लोली. मोस्ट अदर ऑर्गेनिम लिविंग इन द वाटर बॉडीज डाई. तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उन पर एक्ट करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं ना, जब वो डेड हो जाते हैं, जो डीके हो जाते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म वो भी क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते. सो क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया. ओके, टिल देन बाय.